ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल का, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल का बताएंगे। मानिए एफ एक्स आपका 2x है, तो आप देखें इस एफ एक्स डीएक्स क्या होगा, 2x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अलग अलग सी के लिए हमको अलग अलग इंटीग्रल्स मिलेंगे, और लेकिन ये सारे के सारे सिमिलर होंगे। आप देखेंगे अगर इनका शेप देखेंगे, इनका कर्व देखेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। अगर आप बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये आपका उसको y रख रहे हैं, तो c एक ऐसा कांस्टेंट है जो एक फैमिली बता रहा है, एक पूरी फैमिली है, एक पूरी क्लास है इंटीग्रल्स की। तो अलग अलग c जो आप लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, हमको अलग अलग मेंबर्स मिलेंगे उस फैमिली के, और इसी को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो हर एक इंटीग्रल यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है। तो ये अलग अलग पैराबोला मिलेंगे आपको अलग अलग कांस्टेंट के हिसाब से। तो ये c अगर जीरो है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर वन हो गया, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा पैराबोला, और एक यूनिट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा। सी इक्वल टू माइनस वन कर देंगे यहाँ की, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन हुआ, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट ये थोड़ा सा एक यूनिट वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस सी, अगर सी रखेंगे तो पॉजिटिव साइड में जाएगा वाई एक्सिस में, और जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे सी की, तो ये जो है नेगेटिव साइड में जाएगा वाई एक्सिस की। इसको देखिए, मैं फिगर दिखाता हूँ इसका, कि ये जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल जो आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो है, देखिए वाला। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो ये एक शिफ्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू पे दो शिफ्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पे तीन शिफ्ट हो गया, यानी कि पूरी एक क्लास मिल गई आपको, ये पूरी एक क्लास है। एक माइनस वन करेंगे तो नीचे आ गया, माइनस टू करेंगे तो और नीचे आ गया, माइनस थ्री करेंगे तो और नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में शिफ्ट होगी। तो ये एक पूरी क्लास मिल गई आपको। अब जरा इंटरसेक्शन देखें इन पैराबोला का। अगर कोई एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, अगर आप देखें जो आपने फिगर ये मैंने आपको जो बताया इसमें और इस फिगर में, हम क्या करते हैं, हमने ए को ग्रेटर देन जीरो लिया। अगर हम ए को लेस देन जीरो पे ले रहे हैं, यदि एक लाइन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्ट कर रही है इन सब पे, जितने भी हमने देखे पी जीरो पे, पी वन पे, या पी टू पे, पी माइनस वन, पी टू, पी माइनस टू, अगर ये लाइन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्ट कर रही है तो डी वाई डी एक्स हर एक पॉइंट का टू ए होगा, टू ए होगा। आप डी वाई डी एक्स किसी को भी निकाल के देखिए, मैं एक उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई डी एक्स करता हूँ, इसका टू तो वैसे कट जाएगा, टू एक्स आएगा, और a पे क्या होगी वैल्यू, टू ए। किसी का भी ले लीजिए, इस किसी भी पॉइंट पे जो x इक्वल टू ए लाइन है, इसका मतलब डी वाई डी एक्स उसका टू है, इसका टू ए। वो डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, या टेंजेंट होता है, टेंजेंट की स्लोप। तो जो टेंजेंट है हर एक अगर आप वो ले लें, कर्व ले लें, तो टेंजेंट उसकी पैरेलल होगी। तो अगर आप टू एक्स डी एक्स का करें इंटीग्रल, तो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि जो एफ सी है वो आपका ओरिजिनल फंक्शन निकल के आएगा। ये आपको बताएगा कि टेंजेंट इन कर्व की, जो वाई इक्वल टू एफ एक्स हम कह रहे हैं, जो सी कॉन्स्टेंट जो आर को बिलोंग कर रहा है, तो वो पॉइंट, वो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो एक्स इक्वल टू ए से जो कट हो रहा है, मतलब लाइन कट कर रहे हैं आप, और वो पॉइंट जो है वो पैरेलल है। तो जो इक्वेशन आपके पास आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो आप कह रहे हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, इसको हम वाई बोल रहे हैं, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। अलग अलग वैल्यू सी, अलग अलग आपको उस फैमिली के मेंबर बताएंगे, और वो शिफ्ट होगा इधर उधर डिपेंडिंग अपॉन दिस सी। ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का।